Assalamualaikum students, how are you? Hope you are fine and doing well in your test and the unit test sessions. So today I am here to discuss the third application of Gauss's law. जैसे कि मैंने बताया था कैपेसिटर की वजह से हम पढ़ रहे हैं इसको कि पैरेलल प्लेट्स आ जाएंगी, तो आज आ गई हैं पैरेलल प्लेट्स, इनको हम डिस्कस करते हैं. इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स. अब ये क्वेश्चन वैसे ही आएगा कि स्टेट गॉसस लॉ, तो गॉसस लॉ को आपने इसको स्टेट करना है और फिर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है. सो नाउ एट फर्स्ट गॉसस लॉ मैं बता चुका था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो उसका प्रीवियस लेक्चर आप लोग जरूर देखें, आपको समझ आ जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ओह माय गॉड, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब नाउ वी का हम डेरिवेशन की तरफ आते हैं. डेरिवेशन लो जी, गॉड बी सीटियां बजा रहे शू करके भाई, एडजस्ट कर लेना इसको. मैं पहले बोलता हूं कि मैं इसको रात को रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूं, तो मैंने रात के जो है वो टाइम 12 से ऊपर हो गया. सो खैर, इसको जितनी आवाजें आती है ना बैकग्राउंड, आप इनको एज अ जो है वो क्या कह लें, एज एंजॉयमेंट जो है वो ले लिया करें, जितना तो बर्दाश्त कर लें. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स. कंसीडर वी हैव टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स एज हियर आई एम मेकिंग द फिगर. डायग्राम आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये वो चीज है जो आपको बहुत ही अच्छी करके विद मार्कर विद पेन आपको हाईलाइट करके बनानी चाहिए ताकि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ सके. यहां पे हमारे पास दूसरी प्लेट, दैट मीन्स दिस इज अ नेगेटिव चार्ज प्लेट, नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स एंड अपर प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज लाइक दिस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दीज प्लेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, लाइक दिस. इसकी मैं चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल पैरेलल बने, उसकी वजह यह है सॉरी बिल्कुल इक्वली स्पेस बने, ताकि एक्चुअली होता ही है यहां हमारे पास जो है फील्ड यूनिफॉर्म होता है, ये बात भी हमें डिस्कस करनी है. और यूनिफॉर्म फील्ड हमेशा पैरेलल और इक्वली स्पेस लाइन से बताया जाता है. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ हमारे पास एक पॉइंट है यहां पे, पॉइंट पी, लेट मी से हियर इज अ पॉइंट पी बिटवीन द प्लेट्स, जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताना है कितनी है. उसके लिए जारी बात है, हम अब सारा प्रोसेस को फॉलो करेंगे. हम एक गॉसियन सरफेस को सपोज करेंगे और गॉसियन सरफेस हमने यहां पे इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सोची हुई है जो हमारी बुक में बनी हुई है, बट एक्चुअली दिस सरफेस इज अ थ्री डायमेंशनल बॉक्स, ये बॉक्स की फॉर्म में है. तो अगर मैं बॉक्स बनाऊं तो तब भी ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर बॉक्स की फॉर्म में देखें उसका फ्लक्स भी उतना ही निकलना है यहां पे इस गिवन केस के अंदर. और अगर हम बुक वाला रेक्टेंगल वाला केस देखें कि लेट मी से हियर इज अ गॉसियन सरफेस इन फॉर्म ऑफ दिस शेप, दिस इज अ गॉसियन सरफेस. नाउ इट हैज फोर फेसेस, फोर यहां पे फोर साइड दिख रही है. अगर आप बॉक्स लेंगे तो इट हैज फोर फेसेस, इसके हम चार फेसेस को डिस्कस करेंगे. ऊपर वाला ये, ये साइड वाला, ये साइड वाला, ये साइड वाला, तो ये सारे फेसेस जो हैं, अगर आप ये नीचे वाला फेस देखेंगे, नीचे वाला फेस, इसका एरिया कहां होगा, इसका एरिया नीचे की तरफ होगा. इस फेस को देखें, इसका एरिया इस तरफ होगा. इस फेस को देखेंगे, इसका एरिया इस तरफ होगा, लाइक दिस, इस तरफ होगा. नाउ दिस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस फेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, मतलब आपको पता है कॉस 90 पे जीरो, तो फ्लक्स जीरो. और ये वाला फेस है, इसका एरिया देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल, तो इस फेस का फ्लक्स आपके पास आएगा. और ये वाली साइड देखेंगे तो ये वाली साइड वैसे ही फील्ड से बाहर है. अगर मैं इसको नाम देना चाहूं तो दे सकता हूं, आप इस साइड फेस को नाम दें फेस वन का, इसको नाम दें फेस टू का, इसको नाम दें फेस थ्री का, इसको नाम दें फेस फोर का. तो इस अब हम गॉसियन सरफेस के ऊपर फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. उससे पहले आप लोगों को यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अगेन से डिफाइन करनी है, चार्ज पर यूनिट एरिया. एंड हियर फ्रॉम चार्ज इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया.
यहां पे आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगेन से डिफाइन करना है। उसके बाद द फ्लक्स थ्रू गाजियन सरफेस, द फ्लक्स थ्रू क्लोज गाजियन सरफेस थ्रू क्लोज्ड गाजियन सरफेस, फ्लक्स टोटल फ्लक्स वन प्लस फ्लक्स टू प्लस फ्लक्स थ्री प्लस फ्लक्स फोर। यहां मैं इसको बड़ा डीपली मतलब मैं चाहता हूं लिखूं इक्वेशन को, फ्लक्स ई ए कॉस जीरो डिग्री, क्योंकि ये वाला फेस का एरिया आप दिखा दें, किसका एरिया कहां है, इसका एरिया डाउनवर्ड है, इसका एरिया परपेंडिकुलर है, इसका एरिया भी परपेंडिकुलर है, और इस साइड पे तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही जीरो है क्योंकि ये फील्ड से बाहर है। तो प्लस फ्लक्स टू कितना आ जाएगा, ई ए कॉस 90 डिग्री, फ्लक्स थ्री वो फील्ड से बाहर है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए कॉस थीटा, फोर ई ए कॉस 90 डिग्री। नाउ यू नो इट वेरी वेल that k cos 90 is equal to 0, then it will become 0, and this is also EA cos 90, then it also becomes 0, and here it is 0 multiplying by a cos theta, it will also give 0, so these are 0 ho jayenge. Hamare paas kya bachega, flux total is equal to EA, just now from Gauss's law, by Gauss's law फ्लक्स इज इक्वल टू वन बाय एप्सिलॉन इनटू क्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स ई ए एंड क्यू सिग्मा ए, इट गिव अस फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए वन बाय एप्सिलॉन क्यू सिग्मा ए। नाउ ए से क्या हो जाएगा, कैंसल्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इन वेक्टर फॉर्म आर इन वेक्टर, वैसे तो यहां पे डायरेक्शन फॉर्म पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकती है एंड सो ऑन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, बड़ा एक शॉर्ट सा टॉपिक आपको लगेगा क्योंकि आप इससे पहले सेकेंड एप्लीकेशन कर चुके हैं। यहां पे मैं कुछ और बातें आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं जो आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब के यहां पे नहीं है, पता नहीं आउट ऑफ बॉक्स का मतलब क्या होता है, मैं पता नहीं इतना इंग्लिश वैसे मेरी वीक है, आप लोगों को पता है इसका बात का। देखिए जनाब, अगर आपने इसका शॉर्ट प्रूफ करना हो तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने अभी इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किए ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इसकी वजह से याद है ना आपको, यह भी एक शीट थी, ये भी एक प्लेट थी, इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इस प्लेट की तरह से देखें, पॉजिटिव प्लेट की वजह से देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। शॉर्ट लॉन्ग का समाधान खत्म हो गया, ये मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ई नेगेटिव सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ई प्लस प्लस ई नेगेटिव, दिस इज सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, this is half and this is half, it will become E is equal to sigma by epsilon naught। तो इस तरह से भी हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को कह दूंगा ये करें, आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये करके बैठ जाएंगे और फिर बाद में मुझे कहेंगे सर वकास ने तो मैं कहा था ऐसे लिखे, हमारे तो नंबर ही नहीं आए, और गर्ल्स के यू कहेंगी सर वकास ने कहा था हमें ऐसे करते पर आते नंबर है नहीं। तो भाई इसमें मैं आप लोग को ये मेथड जो है वो मैं जस्ट एज शॉर्टकट बताया कि इस तरह से भी होता है, बट आप लोग बोर्ड में गाजियन सरफेस वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। नाउ मेरा एक क्वेश्चन है यहां पे एमसीक्यू, लेट मी सी, दिस इज पॉइंट क्यू, दिस इज पॉइंट आर, आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम यू दैट इफ अगर आपके पास एमसीक्यू दिया जाए कि ये फिगर आपके पास, फ्रॉम फिगर वेयर फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, फ्रॉम फिगर वेयर फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम अल्फा ऑप्शन,
एट पॉइंट पी, बीटा ऑप्शन एट पॉइंट क्यू, चार्ली ऑप्शन एट पॉइंट आर, डेल्टा ऑप्शन सेम एट ऑल पॉइंट्स, सेम एट ऑल पॉइंट्स। सो दिस इज एमसीक्यूज फ्रॉम दिस टॉपिक। आप लोगों ने करना ही है कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर अपना रिप्लाई देना है। देन आई विल अप्रिशिएट यू इफ यू आर गिवन, अगर आप लोग अच्छा आंसर देते हैं तो मैं आपको एक गुड भेजूंगा और साथ में से एक स्माइली, वो इस तरह वाला कैपिंग वाला आपको सेंड करूंगा। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अबाउट आवर टुडे टॉपिक एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। वही आपसे दरख्वास्त है, जरूर जरूर शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।